Dear students, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Shahzad Aslam. I am here as a chemistry lecturer from Misali College, Ariwala. Today it's our first lecture about chemistry. So आज के दिन जो हमने टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है वो हमने केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न स्टडी करना है कि जो एफएससी का केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और उसको हमने किस तरह अटेम्प्ट करना है और हमने मैक्सिमम मार्क्स जो है वो किस तरह सिक्योर करनी है। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले पेपर पैटर्न हम डिस्कस करेंगे कि पेपर के अंदर जो है वो आपको टू डिफरेंट सेक्शंस होंगे। पेपर में आपके पास एक सेक्शन वन के नाम से होगा और सेकंड आपका सेक्शन टू होगा, और सेक्शन वन जो है उसमें आपके पास सिर्फ क्वेश्चन नंबर वन एक क्वेश्चन होगा और उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके पास टोटल 17, और 17 क्वेश्चंस जो है हर क्वेश्चन का आपके पास एक मार्क्स होगा। तो जब आप पूरे के पूरे 17 MCQs अटेम्प्ट करेंगे तो आप जो है वो 17 मार्क्स जो है वो सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद आपके पास सेक्शन जो है वो टू होगा, वो ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका क्वेश्चन वन है और सब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर टू से ऑनवर्ड होगा। तो क्वेश्चन नंबर टू या सब्जेक्टिव जो पोर्शन है उसके भी टू डिफरेंट जो है वो पार्ट्स होंगे। एक जो पार्ट होगा फर्स्ट पार्ट, उसमें आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और पार्ट टू जो होगा उसमें आपके पास एक्सटेंसिव क्वेश्चंस होंगे। अब पार्ट वन में शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो टोटल तीन क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर फोर, और हर क्वेश्चन में आपके पास टोटल क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट होंगे और उसमें से आपने जो है वो अकॉर्डिंग टू द पेपर पैटर्न आपने क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर टू में आपके पास टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 12 होंगे और उसमें से आपने 8 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, और इस तरह आपके पास 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 16। तो क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करने से आपके पास 16 मार्क्स जो है वो सिक्योर होंगे। उसके बाद इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 होगा, उसमें भी आपके पास जो है वो टोटल 12 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको 8 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरह आपके पास 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 16 नंबर जो है वो इस क्वेश्चन में भी आपको सिक्योर हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और लास्ट जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन का वो है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपके पास टोटल जो है वो 9 क्वेश्चंस होंगे और उन 9 क्वेश्चंस में से आपको 6 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरह आपके पास 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 टोटल 12 मार्क्स जो है वो इस क्वेश्चन से भी आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह अगर हम टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस काउंट करें तो वो 22 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं जो अटेम्प्ट करना होती है, और अटेम्प्ट करने से आपके पास जो टोटल मार्क्स स्क्योर होते हैं वो 44 मार्क्स आपके पास स्क्योर हो जाएंगे। तो सब्जेक्टिव पोर्शन का जो सेकंड पार्ट है वो है एक्सटेंसिव क्वेश्चंस। एक्सटेंसिव क्वेश्चन में आपके जो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होते हैं वो 5, 6, 7, 8 और 9, और 5 क्वेश्चंस हैं, उनमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं और 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास चॉइस में होंगे, और हर क्वेश्चन जो है उसमें 2 पार्ट्स होंगे। कि क्वेश्चन नंबर जैसे 5 है तो उसमें एक ए पार्ट होगा और एक बी पार्ट होगा, और दोनों पार्ट्स के इक्वल नंबर होंगे 4, 4। तो एक क्वेश्चन के टोटल मार्क्स जो होंगे वो आपके पास 8 बन जाएंगे, और अगर आपने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करनी है तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो टोटल आपके पास एक्सटेंसिव क्वेश्चंस के जो मार्क्स बनेंगे वो 24 बनेंगे। तो इस तरह आपके पास टोटल जो मार्क्स बनेंगे केमिस्ट्री के पेपर के वो 85 बनेंगे। कि जब आप एम सी क्यूज के 17 मार्क्स 44 मार्क्स जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस के और 24 मार्क्स जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस के काउंट करेंगे तो 85 मार्क्स बनती हैं। तो ये तो रहा आपका पेपर पैटर्न। उसके बाद जो है हम आज के बकायदा लेक्चर की तरफ जो है वो मूव होते हैं।
तो सबसे पहले आज जो हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी करना है वो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री जो है उसको हम पढ़ते किस लिए हैं, वो है क्या चीज़, उसमें हमने ऐसी कौन कौन सी चीज़ें स्टडी करनी है जिससे हमें जो है वो फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में केमिस्ट्री की डिफाइन पढ़ती है कि केमिस्ट्री क्या है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, कि केमिस्ट्री जो है एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम एक मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। अब इस डेफिनेशन में दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हमें प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक तो आपके पास है साइंस, कि साइंस जो है ये क्या चीज़ है, एंड सेकंड वर्ड जो है वो मैटर, कि मैटर जिसके बारे में हमने स्टडी करना है वो मैटर क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको साइंस के बारे में बताता हूँ कि साइंस जो है वो बेसिकली क्या चीज़ है, साइंस कहते किसे है। तो साइंस जो है वो प्रॉपर अगर हम देखें तो ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड साइंटिया, उससे ये जो है वो अखज़ हुआ है, उससे निकले है। और लैटिन वर्ड में साइंटिया का जो मीनिंग है उस वो है नॉलेज, इंफॉर्मेशन, कि हमने चीज़ों के बारे में क्या करना है, नॉलेज इकट्ठा करना है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है। तो साइंस जो है वो बेसिकली जो है वो नॉलेज इकट्ठा करने का नाम है, इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करने का नाम है। तो साइंस जो है वो, अब साइंस के डिफरेंट जो है वो काइंड्स हैं, कि डिफरेंट जो है वो पोर्शंस हैं, कुछ सोशल साइंसेज हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल साइंसेज हैं। तो सोशल साइंसेज में तो हमने जो है वो बकायदा सोशल जो है वो हमने नेटवर्क को स्टडी करना होता है, जैसे पार्क स्टडी है, उर्दू है, इंग्लिश है, इस तरह के सब्जेक्ट्स आ जाती है। लेकिन जो दूसरे एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में हमने स्टडी तो करना है, लेकिन ये जो स्टडी होगी वो आपकी हाइपोथीसिस बेस्ड, आपकी एक्सपेरिमेंटल बेस होगी, कि जो भी हम स्टडी करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट होगा, कि जो बंदा एक्सपेरिमेंट करेगा वो उससे जो रिजल्ट निकालेगा उस बेस पे हमने जो है इसको स्टडी करना है। तो बेसिकली साइंस जो है वो नॉलेज गेन करने का नाम है, थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, थ्रू हाइपोथीसिस। उसके बाद अब साइंस जो है वो हम टुवर्ड्स अपने टॉपिक की तरफ कन्वर्ज होते हैं, केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री जो है इसमें हम किस तरह का नॉलेज इकट्ठा करते हैं, इसमें हम किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो गेन करती है। तो हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा है कि केमिस्ट्री जो है वो साइंस की उस शाख का नाम है, या उस टाइप का, या उस ब्रांच का नाम है जिसमें हमने क्या स्टडी करना है, मैटर को स्टडी करना है। एक मैटर क्या चीज़ है, कि केमिस्ट्री में जो चीज़ हमने स्टडी करनी है, तो मैटर जो है ये मोस्टली आपने प्रीवियस जो है वो आपने पढ़ा ऑनलाइन क्लासेस में, कि एनीथिंग विच हैज़ सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर, कि हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई मैस हो और वो कोई जगह घेरती हो तो उसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। तो मैटर जो है हम इस दुनिया में अगर हम देखें तो हमें बहुत सी चीज़ें जो है नज़र आती हैं जो कि मैस भी रखती हैं और वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करती हैं। तो हम जो है हम बेसिक जो है मैटर को हम तीन डिफरेंट जो है वो पोर्शन में डिवाइड करते हैं, जिनको हम स्टेट्स ऑफ मैटर भी कहते हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को हम स्टडी करते हैं, कि सॉलिड क्या चीज़ है, कि सॉलिड जो है, अब मैं अब यहाँ पे मोस्टली डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि फर्स्ट ईयर के नेक्स्ट चैप्टर्स में आपको ये पूरे पूरे चैप्टर्स हैं सॉलिड से रिलेटेड, लिक्विड से रिलेटेड और गैसेस से रिलेटेड। तो मैं यहाँ आपको टू द पॉइंट जो है वो एग्जांपल्स दे के नेक्स्ट चलूँगा, कि सॉलिड जो है वो आपके पास ये पॉइंटर है, रबर है, ग्लास है, टेबल है। तो ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि सॉलिड को मेंशन करती हैं। उसके बाद आपके पास लिक्विड जो
जो है हमारे पास वाटर है H2O, तो वाटर जो है ये एक लिक्विड है, अल्कोहल हो गया, एथानॉल जिसको हम कहते हैं C2H5OH, तो ये भी लिक्विड के एग्जांपल में आता है। इसी तरह गैसेस जो है हमारी एयर के अंदर बहुत सी गैसेस मौजूद हैं, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, तो ये सारी गैसेस भी मैटर के अंदर शामिल होती हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने क्या करना है, स्टडी करना है, और स्टडी करके इसको हम कन्वर्ज करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। हाँ जी, तो केमिस्ट्री का हमने बेसिक तो समझ लिया, लेकिन अब हमने और कन्वर्ज होना है टुवर्ड्स द टॉपिक कि मैटर के बारे में हमने स्टडी तो करना है, लेकिन मैटर की ऐसी कौन कौन सी चीज़ों के बारे में स्टडी करना है। केमिस्ट्री के बारे में हमने मैटर को टू द पॉइंट या ईच एंड एवरी थिंग उसकी स्टडी नहीं करनी, बल्कि टू द पॉइंट हमारे पास चार ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करना है, और उसको हम जो है वो वन बाय वन विद एग्जांपल जो है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर। अब मैटर के बारे में स्टडी करना है, अब कौन सी चीज़ें स्टडी करनी है, मैटर की हमने सबसे पहले जो चीज़ स्टडी करनी है वो कंपोजिशन है, दूसरी चीज़ जो हमने स्टडी करनी है वो उसका स्ट्रक्चर है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, थर्ड चीज़ उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि वो जो मैटर है उसकी खासियत क्या है। अब प्रॉपर्टीज़ जो है वो दो तरह की होती हैं, कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जो लास्ट थिंग जो हमने मैटर के बारे में स्टडी करनी है वो है केमिकल रिएक्शंस। तो हमने इन चार चीज़ों को स्टडी करना है केमिस्ट्री के अंदर, एक कंपोजिशन, एक उसका स्ट्रक्चर मैटर का, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शन। तो आए हम इसकी एग्जांपल्स की मदद से जो है वो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कंपोजिशन, कि मैटर की कंपोजिशन है क्या चीज़, कि मैटर लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं वाटर की। वाटर जो है वो आप मोस्टली हर बच्चा जानता है कि वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो H2O है। तो वाटर की कंपोजिशन से क्या मुराद है कि वाटर जो है वो किन किन चीज़ों से कंपोज्ड, किन किन चीज़ों से बना हुआ है। तो अगर हम उसके केमिकल फार्मूला देखें तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि H2O, H जो है वो शो कर रहा है हाइड्रोजन को, और ऑक्सीजन जो है वो O जो है वो शो कर रहा है ऑक्सीजन को। तो जब भी हम वाटर की कंपोजिशन के बारे में स्टडी करेंगे तो इसका मतलब है कि वाटर जो है वो दो हाइड्रोजन से मिलके बने और एक ऑक्सीजन से मिलके बने। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन इकट्ठी होगी वाटर की कंपोजिशन के बारे में। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी दो ऐसे एलिमेंट से मिलके बने, एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। तो इस तरह इसकी कंपोजिशन हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज कंपोज्ड ऑफ टू एलिमेंट्स, वन कार्बन एंड सेकंड ऑक्सीजन। इसी तरह आपके पास एक थर्ड है कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, तो CCl4 में आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, एक कार्बन और दूसरा क्लोरीन। तो जब भी हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड की कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ये हमेशा एक कार्बन से मिलके बनता है और इसमें चार जो है वो क्लोरीन के एटम्स हैं। तो इस तरह हम मैटर की कंपोजिशन के बारे में स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के अंदर कि हर मैटर जो है वो किसी ना किसी चीज़ से बनी होती है। तो वो जो चीज़ें हैं हमने उनको इन लिस्ट करना है अलग अलग कि एक ये चीज़ है, एक ये है, वो मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो उसका स्ट्रक्चर है कि जैसे हमने कहा कि वाटर जो है वो किन चीज़ों से मिलके बना है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो इनके स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि जब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ आपस में जुड़ते हैं तो वो किस तरह का
स्ट्रक्चर बनाते हैं उसकी शेप क्या होती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ किस तरह जुड़ते हैं, तो उनके मैंने स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ड्रा किए हैं कि जब भी हम वाटर का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो उसमें एक ऑक्सीजन और उसके साथ दो हाइड्रोजन को हम सिंगल लाइन से शो करते हैं। और इस सिंगल लाइन्स का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन इज़ कोवलेंट बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, ये सिंगल लाइन जो है ये कोवलेंट बॉन्ड को शो कर रही है। इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन भी एक सिंगल लाइन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड को शो कर रहा है। तो जब भी हम वाटर का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, और उनका हमेशा हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसकी शेप जो होगी वो हमेशा क्या होगी, बेंट या एंगुलर। अब ये बेंट या एंगुलर स्ट्रक्चर कैसे आता है, किस तरह बनता है, ये हम जो है फर्दर चैप्टर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये बताना था कि स्ट्रक्चर जो है मैटर्स के वो भी हमने कहाँ स्टडी करनी है, इसी केमिस्ट्री में स्टडी करना है। नेक्स्ट थिंग जो है वो आपके पास प्रॉपर्टीज़ है कि उस मैटर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके अंदर क्या ऐसी खसूसियात हैं जिसकी वजह से हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उसकी शनाख्त कर सकती है। तो हर मैटर की टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो फिज़िकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बेसिकली उसकी फिजीक पे डिपेंड करती हैं, उसकी फिज़िकल नेचर, कि उसके देखने से हमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ों का पता लग सकता है। तो अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें तो किसी भी मैटर की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में एक उसका कलर होगा, जैसे कि वाटर है तो वाटर का क्या कलर है, जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर इज़ अ कलरलेस कंपाउंड, कि उसका कोई कलर नहीं है, वो बेरंग है। तो ये जो उसकी प्रॉपर्टी है इसको हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कहेंगे। इसी तरह वाटर का टेस्ट है, तो जैसे कि हमें पता है कि वाटर का कोई टेस्ट नहीं है, ना उसका कोई कलर है ना उसका कोई टेस्ट है, तो ये जो टेस्ट लेस होना है ये भी उसकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी में हम उसको मेंशन करेंगे। इसी तरह उसकी स्टेट ऑफ मैटर है कि आया वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो मैटर की इन चीज़ के मुतालिक स्टडी करना इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को शो करेगा। उसके बाद उसकी पीएच है कि वो जो है एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो वाटर इज़ अ न्यूट्रल कंपाउंड, जैसा कि हम जानते हैं कि उसकी जो पीएच है वो 7 है, और हर वो कंपाउंड जिसकी पीएच 7 हो उसको हम न्यूट्रल कंपाउंड कहते हैं। तो ये भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगी। इसी तरह उसका मेल्टिंग पॉइंट है कि वो जो मैटर है वो कहाँ पे मेल्ट होती है, तो जो टेम्परेचर है जिस पे उसने मेल्ट होना है उस टेम्परेचर को भी हम एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। उसके बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट, वो भी एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो हमें पढ़ना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाएँ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। जैसा कि हमने अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है वाटर का, तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो प्योर उसके केमिकल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगी, केमिकल कम्बिनेशन भी। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बनाते हैं वो बॉन्ड किस नेचर का है, क्या वो कोवलेंट बॉन्ड है, क्या वो आयनिक बॉन्ड है, क्या वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, किस तरह का बॉन्ड है, उसकी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमें बताएगी कि हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड्स बनाने हैं। अगर हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक है तो हम ये कहते हैं कि उसे जो है अपना लास्ट जो है बैलेंस शेल जो है उसको कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो वो एक और इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो है वो अपना कोवलेंट बॉन्ड बना के एज अ स्टेबल हो जाता है। तो इस तरह जो है वो उसका जब भी हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाना है तो वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके या गेन करके अपना जो बॉन्ड बनाएगा। इस तरह डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफर होने की वजह से उनके डिफरेंट बॉन्ड्स बनती हैं, किसी का एक बॉन्ड बनता है, किसी के दो बॉन्ड बनती हैं। तो इस तरह डिफरेंट बॉन्ड्स बनने की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो भी चेंज हो जाती हैं, उससे उन पर असरअंदाज होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट
लास्ट जो हमारे पास पोर्शन है वो है केमिकल रिएक्शंस, कि जो मैटर है वो केमिकली रिएक्ट करती है। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन कहते किसे है, कि आपके पास जो हम मोस्टली केमिकल रिएक्शंस को शो करने के लिए एक रिएक्शंस लिखते हैं ए गोज़ टू बी, और उसके दरमियान हम क्या करते हैं एक एरो लगाते हैं। इस एरो का ये मतलब है कि इसके बैक में जो भी चीज़ें हैं वो एज आ रिएक्टेंट्स हैं, और इस एरो से फॉरवर्ड या आगे हम जो भी चीज़ें लिखेंगे वो प्रोडक्ट्स होंगी। अब इस एरो लगाने का ये मतलब है कि इससे पीछे जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज है, और उनसे जो नई चीज़ बनी है जिनको हम एज अ प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट जो है उसकी केमिकल नेचर जो है वो टोटली डिफरेंट है। इसका स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट होगा, इसका स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट होगा, तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे केमिकल रिएक्शन। तो मैटर के केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने का क्या मतलब है, कि हमें पता होना चाहिए कि एक जो मैटर है वो किसी दूसरी चीज़ के साथ रिएक्ट करके हमें किस तरह के कंपाउंड्स जो है वो दे सकती है। जैसे कि मैंने कुछ आपके पास जो है रिएक्शन जो है वो नोट डाउन किए हैं, कि जब भी हम वाटर का रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनती है कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो इसका मतलब क्या है कि हम जब भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास एक एसिड बनेगा कार्बोनिक एसिड। तो ये हमारे पास उसकी एक केमिकल नेचर का पता चल गया है, कि जब भी हमें कार्बोनिक एसिड चाहिए होगा हमने उसको यूज़ करना होगा तो हम इस तरीके से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो है वाटर का NaCl के साथ रिएक्शन, कि जब भी हम NaCl को वाटर के साथ मिक्स करते हैं ऐड करते हैं तो वो NaCl जो है वो डिकम्पोज होके पानी के अंदर क्या हो जाता है डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो वाटर के अंदर मौजूद है, तो वो NaCl वाटर के अंदर जाके एज अ आयन जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। एक आपके पास सोडियम आयन बनेगा और एक आपके पास क्लोराइड आयन बनेगा, और इन दोनों की केमिकल नेचर जो है वो टोटली डिफर होगी किससे NaCl से। इसमें लास्ट जो रिएक्शन है ये मोस्टली आपने स्टडी किया हुआ है एसिड बेस रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हम कहते हैं, कि जब भी हम किसी बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास एक साल्ट बनता है और एक वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। तो ये हमें जब भी किसी साल्ट की प्रिपरेशन करेंगे हम तो हम हमेशा एसिड और बेस का रिएक्शन करवाएंगे और उससे हमें जो है वो साल्ट जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस बारे में स्टडी भी हमने किस में करनी है केमिस्ट्री के अंदर करनी है। तो इस लेक्चर में हमने जो जो चीज़ें स्टडी की हैं वो सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि केमिस्ट्री की डिफाइन हमने पढ़ी है, उसके बाद हमने साइंस किसे कहते हैं, मैटर क्या चीज़ है, उसके बाद हमने मैटर के बारे में स्टडी करना है केमिस्ट्री के अंदर तो हमने ऐसी कौन सी चीज़ें जिनको हमने पॉइंट आउट करना है। तो वो चार चीज़ें हमने पढ़ी हैं कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो आज उम्मीद है कि आप लोग बच्चों को ये तमाम टॉपिक जो है अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन टेक्स्ट आर कमेंट बिलो दिस वीडियो। सो अल्लाह हाफिज़।